अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हनुमानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम नंबर 3 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में ये क्या है जी? ये है एक फ्लैश कार्ड और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर 3 टेडी बियर्स बने हैं। 1, 2, 3 1, 2, 3 ये 3 टेडी बियर्स हैं। 3, 3 ये 3 टेडी बियर्स हैं। 3 टेडी बियर्स हैं और 3 ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे 3, 3 वेरी गुड, ये है 3। अब हम अपने पेज पे देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। के यहाँ पर भी हमें 3 डॉल्फिन्स नजर आ रही हैं। 1, 2, 3 और ये क्या है 3 वेरी गुड, हमें यहाँ पर 3 डॉल्फिन नजर आ रही हैं। 3 डॉल्फिन्स और ये क्या लिखा है ये है नंबर 3। नंबर 3 यहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। अब सब बच्चों को पता है ना, ये 2 छोटे छोटे कर्व्स बनाए जाते हैं और इस तरह से ये नंबर 3 लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हम गौर से देखेंगे कि यहाँ पर नंबर 3 कहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर 3 ये लिखा है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, टिक करेंगे, छोटा सा टिक। 3, 3 वेरी गुड। ओके, अब हम 3 को देख भी रहे हैं, हमें इसकी पहचान हो गई है, अब हम इसको लिखना सीखेंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप लोग सब तैयार है ना, तो चले आए चलते हैं 3 को लिखना सीखते हैं। हम लोग यहाँ पर बोर्ड के ऊपर 3 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और हमने एक यहाँ से एक छोटा सा कर्व बनाना है और फिर हमारा दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और यहाँ से एक कर्व बना के यहाँ तक लेके आना है। ये हमारा लिखा हुआ है 3। यस, हमने लिखा 3 वेरी गुड, हमने आज 3 लिखना सीखा है। तो इस तरह से हम इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। अब हम यहाँ स्लेट के ऊपर 3 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एक छोटा सा कर्व यहाँ से बनाएंगे ऐसे और एक छोटा सा कर्व यहाँ से ऐसे, ये हमने लिख लिया 3। इसके ऊपर हम 2 से 3 मरतबा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे और आप सब बच्चे इस तरह से 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 3 को ट्रेस करेंगे और राइट करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हम एक कर्व बनाया, फिर दूसरा कर्व बनाया, 3 लिख रहे हैं, 3, 3 3 इस तरह से हमने यहाँ पर डॉट्स को आपस में मिलाते हुए 3 लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने ये कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम स्टार्ट करें और इस तरह से हम 3 लिखें। और आप सब ने जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे होंगे, तो आपने साथ साथ पढ़ना है ये क्या लिखा है 3। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, हम यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे, फिर दूसरा कर्व और इस तरह से हम क्या लिख रहे हैं 3, 3 लिख रहे हैं और इस तरह से हमने यहाँ पर अपने हाथ की मूवमेंट से बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है क्या लिखने की जी, हमने 3 लिखने की प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं 3 वेरी गुड। इस तरह से हमने अपने पूरे पेज पे जो भी एक्टिविटीज़ हमें दी गई थी हमने उसको बेहतर तरीके से मुकम्मल किया।
डियर टीचर, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. से द नंबर 3 अगेन एंड अगेन. हेल्प द चिल्ड्रन लर्न दिस नंबर. बच्चों के सामने बार बार नंबर को रिपीट करें ताकि बच्चे उसको सीख सकें. फिर उसके बाद बच्चों के सामने उसको लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. जब उसको बता रहे होंगे या 3 लिखा है तो बच्चे उसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे. फिर बच्चों को उसके ऊपर टिक करने के लिए कहें और प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड करें कि हमने ये एक्टिविटी करनी किस तरह से है. इसके बाद बच्चों को फ्रेसिंग और राइटिंग में भी प्रॉपर तरीके से हेल्प करें ताकि बच्चे बेहतर तरीके से 3 लिखना सीख जाएं. प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? ये फ्लैश कार्ड है. ये क्या है? 1, 2, 3. अब हम एक और गेम खेलेंगे, ठीक है? कैसे? ये हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 3, 2. आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हमने बनी हुई पिक्चर्स को काउंट किया है. तो अब हम पिक्चर्स को काउंट करेंगे. 1, 2. ये ट्रू ऑब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पर 1 एक ऑब्जेक्ट है. 1, 2, 3. यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया. हमारे पास फ्लैश कार्ड भी तो 3 हैं. 1, 2, 3. यस, हमारे पास 3 कार्ड्स भी हैं. अब हम चलेंगे अपनी एक्टिविटीज की तरफ. मैच द बैलून्स टू द नंबर्स. हमने नंबर्स के साथ अपने बलून्स को मैच करना है. जरा मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा है? 2, 1, 3. ओके, 1, 3, 2. अब मुझे यहाँ पे बताओ कि हमें यहाँ पर क्या लिखा है? 2, और यहाँ पर ये 2 लिखा है. हम यहाँ से इस 2 को इस 2 के साथ मैच कर देंगे और 1 को 1 के साथ मैच कर देंगे और यहाँ पर है 3 को 3 के साथ मैच कर देंगे. राइट? तो इस तरह से हमने आज सीखा है 1, 2, 3. वेरी गुड. ओके, अब हमारे पास एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. यहाँ पर हर तस्वीर में कुछ तस्वीरें दी गई हैं, तो अब हम इनको काउंट करेंगे पहले और उसके बाद नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पर उन नंबर्स को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. 1, 2, और यहाँ पर बताओ 2 कहाँ लिखा है? ये 2 लिखा है. 1, तो यहाँ पर हम इसको 1 को सर्कल कर लेंगे. 1, 2, 3, यस, हम 3 को सर्कल कर लेंगे. तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर्स के साथ उसको सर्कल कर लिया और यहाँ पर हमने नंबर्स को मैच किया है बैलून्स के साथ. पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने बच्चों को हेल्प करना है कि वो किस तरह से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. अब ये मेरे हाथ में क्या है? यस, मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड पर छोटे छोटे से बर्ड्स बने हुए हैं. ज़रा हम इनको काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4. यहाँ पर 4 बर्ड्स हैं. 4 बर्ड्स. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4. 4 लिखा हुआ है. 4 बर्ड्स और 4. ये क्या है? ये है 4. वेरी गुड. ये 4 लिखा हुआ है और हमने आज 4 को काउंट भी किया और देख भी लिया. अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन सा पेज मिला है और हमारे पेज के ऊपर क्या लिखा है. ओके, काउंट एंड से द नंबर एंड नंबर वर्ड. 4. यस, हाउ मेनी बलून्स? 1, 2, 3, 4.
फोर बलून्स, चार बलून है, गुब्बारे हैं यहाँ पर। और ये क्या लिखा हुआ है? फोर बलून्स, चार गुब्बारे। फोर, वन टू थ्री फोर, ये कितने बलून्स हैं? फोर बलून्स हैं। और ये क्या लिखा है? फोर, वेरी गुड। सब बच्चों को फोर पहचान में आ गया, तो अब हम इसको पहचानते हैं और पहचान कर यहाँ पर हम फोर को टिक करेंगे। टिक द फोर, तो यहाँ पर फोर कहाँ लिखा है? ये और ये लिखा है, वेरी गुड। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पहचान लिया। अब हम फोर की लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्लेट के ऊपर। यहाँ पर हमने एक लगाया है जी, स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे एक हल्की सी स्लैंट लाइन, यहाँ से एक स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। फोर, चार हमने लिखा। अब हम इसको दो से तीन मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, तो हम इस तरह से अपना फोर लिखेंगे। अब हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर फोर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से हल्की सी स्लांट लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से हमने फोर लिखने की प्रैक्टिस की है। इसके ऊपर हम दो से तीन मरतबा लिखेंगे ताकि हमें फोर लिखना बेहतर तरीके से आ जाए। अब हम इसको ट्रेस करेंगे और राइट करेंगे। जिस तरह से हमने राइटिंग प्रैक्टिस में सीखा, इसी तरह से हम यहाँ पर इसको, इसकी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और स्लांट लाइन नीचे एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, हमने फोर लिखा। इसके साथ हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस तरह से फोर लिखेंगे। और हमेशा आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जो फॉर्मेशन के जरिए आपको गाइड किया गया है उसी को फॉलो करते जाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से फोर लिख सकें। तो हमने आज फोर लिखने की प्रैक्टिस की है विद ट्रेसिंग, और अब हम इसको राइट करेंगे। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर हमने फॉर्मेशन के मुताबिक बताया है, इसी तरह से हम यहाँ पर फोर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से हम यहाँ नीचे लेके आएंगे इसको एक स्लांट लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, हमने लिख लिया फोर। और जिस तरह से एरोज़ के निशान बने हुए हैं, आप इन एरोज़ के निशान को इस्तेमाल करते हुए फोर लिखेंगे, राइट? तो स्टार्ट हमने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से करना है, फिर यहाँ पर हमने स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट से स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट से स्लांट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड। और इस तरह से हमने आज फोर लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है। तो ये हमने फोर लिखा और इस तरह से हमने आज फोर को देखा, पहचाना, फिर उसको टिक किया और उसके बाद हमने इसके ट्रेसिंग सीखते हुए राइटिंग करने की प्रैक्टिस की है। डियर टीचर, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने बार बार नंबर फोर को रिपीट करना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से लर्न कर सके। हैव द चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द नंबर फोर एंड टिक द नंबर। जब बच्चों ने फोर को पहचान लिया, उसको रिकनाइज करना शुरू कर दिया, तो अब हम बच्चे को एक टास्क देंगे कि वो जहाँ पर उसे फोर नजर आता है उसको टिक करेगा। हैव द चिल्ड्रन टू ट्रेस एंड राइट फोर। बच्चों को नंबर फोर ट्रेस करने में और लिखने में हेल्प आउट करें और बच्चों को बताएं कि आपने किस तरह से फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ट्रेस भी करना है और राइट भी करना है। ओके बच्चों, अब हम अपने नंबर्स को रिकॉल करेंगे। 1, 2, 3, 4। दोबारा से हम करते हैं 1, 2, 3 and 4, वेरी गुड। और इसी तरह से हम आज क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग करेंगे कैसे।
वन टू थ्री फोर, यस यहाँ पर फोर ऑब्जेक्ट्स हैं। वन टू थ्री, यस यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं। वन टू, यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स हैं। और वन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, और इस तरह से हमने आज लिख लिया वन टू थ्री एंड फोर। तो अब हम अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। हाँ, यहाँ पर तो हमें वन टू थ्री फोर के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनानी है। यहाँ पर आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? ये एक छोटा सा बच्चा है। इसका नाम हम क्या रखेंगे? नोमी रखेंगे। ये है नोमी। नोमी क्या कर रहा है? जमीन को खोद कर इसके अंदर कुछ सीड्स पोर कर रहा है। कुछ सीड्स इसमें डाल रहा है। और अब इसने जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, जरा हम एक स्टोरी रिकॉल करते हैं। हम सबसे पहले जमीन को खोदते हैं, उसके अंदर सीड रखते हैं नंबर वन, फिर उस जमीन को बंद करके उसके ऊपर पानी डालते हैं नंबर टू, और नंबर थ्री क्या होता है, वो एक छोटा सा पौधा बन जाता है, और जब वो नंबर फोर तक पहुंचता है तो वो एक बड़ा सा पौधा बन चुका होता है और उसके ऊपर एक फ्लावर बन जाता है। तो यहाँ पर भी हमें यही नजर आ रहा है। जरा आप सीक्वेंस देखें, वन, नंबर वन ये स्टेप है, नंबर टू यस ये स्टेप है। यहाँ पर उसने क्या किया, जमीन को बंद किया, और यहाँ पर हम नंबर टू लिख देंगे। जमीन को बंद किया और इसके अंदर पानी डाल दिया। अब वो एग्जाम कर रहा है उसको। यहाँ पर वो देख रहा है कि पौधा कितना बड़ा हो गया। ये नंबर थ्री है और ये है नंबर फोर, यानी स्टेप फोर। यहाँ पर इस तरह से एक पौधा ग्रो करके बड़ा हो जाता है। वन टू थ्री फोर। इस तरह से हमने आज एक पौधे के बनने, उगने और उसको किस तरह से जमीन में लगाते हैं उसके स्टेप्स के नंबर्स नोट किए। डियर टीचर्स, आप बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान ही एक एक्टिविटी इस तरह की डिज़ाइन करेंगे, जिसमें आप बच्चों को सीक्वेंस के साथ नंबर्स को काउंट करना सिखाएंगे। कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से इस पेज के ऊपर एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग दी गई है, जिसको फॉलो करते हुए बच्चे सीक्वेंस को समझेंगे और उसके स्टेप्स को समझते हुए नंबर फोर तक पहुँचेंगे। टेल स्टोरी अबाउट द गिवन पिक्चर टू द चिल्ड्रन। बच्चों को स्टोरी के बारे में बताएं। हेल्प द चिल्ड्रन टू राइट वन टू थ्री एंड फोर इन द बॉक्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस के जरिए बच्चों को वन टू थ्री फोर, यानी कि उसके जो स्टेप्स आते हैं, जिस दिन मराहल से गुजर कर एक छोटा सा बीज एक पौधा बनता है, बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। इसके बाद आप बच्चों को बॉक्स के अंदर नंबर लिखना सिखाएं, क्योंकि बच्चों को राइटिंग हमने फोर नंबर्स की करवा दी है, इसलिए बच्चे उसको खुद राइट कर सकते हैं। हाँ, याद रखें, आप बच्चों को स्टार्टिंग पॉइंट का एक हिंट जरूर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारी वेबसाइट का विजिट करें www.gohrpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने बच्चे को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।